पर अब एक छोटा सा जवाब, क्योंकि इसके पहले लगातार आज तक पर जो हमारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, ज्यादातर लोगों का ये मानना रहा है कि आप उसको कब्जा शब्द मत कहिए, कब्जे करने के इरादे से रूस वहां पर नहीं पहुंचा है, उसका मकसद सिर्फ इतना है कि नाटो में मनाही कर दे कि हमें नहीं जाना, उसके बाद वो छोड़ देगा। बार बार हम और आप ये जो कब्जा शब्द, क्योंकि अलग अलग हिस्सों में खुद यूक्रेन के लोग भी जो वहां के गवर्नर हैं अलग अलग हिस्सों के, वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इस शब्द को लेकर यहां से जो आपत्ति जताई जा रही है, गौरव उस पर मैं आपका टेक चाहूंगी। कोई आपत्ति नहीं है, कब्जा थोड़ी देर के लिए करेंगे जी, मैं लौटूंगी सर उसके बाद। देखिए सत्ता परिवर्तन है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का लक्ष्य। जी बोले बोले गौरव जी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक लक्ष्य है, वो है सत्ता परिवर्तन, राष्ट्रपति जेलेंस्की को हराना, हटाना। और दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि आने वाले वर्षों में फिर चुनौती ना बने यूक्रेन, इसीलिए यूक्रेन की सेना को पूरी तरह से डीमिलिटराइज कर देना, यानी इनके जितने भी हथियार हैं उनको पूरी तरह से अपने अपने कब्जे में ले लेना, कब्जा देश पर हो, सेना पर हो, राष्ट्रपति शासन हो, तो ये फिजिकली ऑक्यूपाई करे ना करे, और कुछ समय के लिए तो करेंगे ही, लेकिन सत्ता परिवर्तन इनका लक्ष्य है। वो सत्ता परिवर्तन करना इनके लिए बहुत अहम है, क्योंकि राष्ट्रपति जेलेंस्की यूरोपियन यूनियन की सदस्यता के लिए कैंडिडेट स्टेटस पा चुके हैं, नेटो नहीं जाएंगे ऐसा उन्होंने नहीं कहा है, अगर शुरू में ऐसा कह देते तो ये पूरी वो बात इतनी आगे तक नहीं बढ़ती। दूसरी बात, तीसरी बात, उन्होंने राष्ट्रपति जेलेंस्की ने चार दिन पहले क्या कहा था कि मैंने 27 नेटो देशों से बात की, कौन मेरे साथ खड़ा है, कोई मेरे साथ खड़ा नहीं है, मैं अकेले हूं, लेकिन पैसा उनके पास आ रहा है, हथियार उनके पास आ रहे हैं, अपने बल पर वो कितने समय तक खड़े रह सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए कब्जा देश पर हो ना हो, सत्ता परिवर्तन तो होगा और उसको आप फिर किसी भी दृष्टि से देख सकते हैं, और इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। मैं आऊंगी जनरल दयाल, क्योंकि कब्जा शब्द को लेकर लगातार हम जो डिस्कशन कर रहे थे, देखिए अगर एक देश के तौर पर उसके भीतर की सारी चीजों को तबाह कर देने पर रूस आमादा है तो उसको क्या बोलेंगे। सीधे अग्रवाल, जनरल अग्रवाल, आप गौरव से सवाल पूछना चाह रहे थे, मैं फौरन लौटूंगी एक जल्दी से। गौरव, मेरा ये सवाल है कि ये जो तीन दिशाओं से जो हमला हुआ है, जो रशिया ने यूक्रेन पे किया है, साउथ, ईस्ट और नॉर्थ से, लेकिन पश्चिम की ओर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं दिखी है। जब तक पश्चिम की ओर से वो कम से कम जो नाइपर रिवर है, नाइपर रिवर के वेस्ट की ओर से रशिया अगर अपना वहां पे कोई कदम नहीं उठाती है, तो यूक्रेन के पास जो नेटो कंट्रीज से और यूरोपियन कंट्रीज से जो हथियार है, साजो सामान है, वो वहां से आने की उम्मीद है। और उससे क्या होगा कि कीव की जो बैटल है या खार्किव की जो लड़ाई है वो लंबी खिंच जाएगी, और जो रशिया का जो एम है, उसका जो उद्देश्य है, उसको पूरा होने में मुश्किल होगी। तो जो पश्चिम की तरफ से है, वहां पे आप गौरव कुछ बता सकते हैं कि वहां पे युद्ध की क्या स्थिति है, वहां पे रशिया कोई वेस्ट ऑफ नाइपर रिवर क्या कर रहा है? गौरव जवाब दे। पश्चिम जी जी, पश्चिम में इस समय पूरी तरह से शांति इसलिए है क्योंकि बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में लोग पश्चिम के ही रास्ते से इस देश को छोड़कर जा रहे हैं, चाहे वो भारतीय हो या यूक्रेन के नागरिक हो, या महिलाएं और बच्चे और बुजुर्ग, या फिर और देशों के नागरिक। और एक बात और, अभी तक डिप्लोमैट्स भी यहां से पूरी तरह से नहीं निकले हैं, डिप्लोमेटिक मिशन बहुत स्केल डाउन हो गए, उनकी संख्या बहुत कम हो गई है राजनयिकों की, लेकिन कुछ राजनयिक अभी भी है, ज्यादातर पश्चिम में लेविव में है, और जैसे ही खतरा वहां बढ़ेगा तो वो पोलैंड चले जाएंगे। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा जनरल अग्रवाल की, इसी पश्चिम के रास्ते से ही जो अभी कहा जा रहा है 200 स्टिंगर मिसाइलें भेजी गई हैं यहां के लिए, 200 स्टिंगर मिसाइलें काफी शक्ति देंगी कुछ समय के लिए, केवल कुछ समय के लिए। इसके अलावा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी इसी रास्ते से आ रही है। लेकिन आप लोग मिलिट्री एक्सपर्ट्स और जनरल्स हैं तो आप तो जानते हैं सैटेलाइट इमेजरी से बहुत पैनी नजर रूस की भी होगी, पश्चिम की तरफ भी, तो जैसे ही ये सिविलियन लोग निकल जाएंगे उसके बाद उस तरफ से बड़ा हमला होगा और पूरी तरफ पर तरह से कीव घिर जाएगा। लेकिन कीव को घेरने में अब ज्यादा समय नहीं लगेगा रूस के लिए, ज्यादा समय नहीं लगेगा। जनरल जी जी जी, देखिए ये ऑक्यूपेशन कैप्चर नहीं है, जैसे कह रहे थे वही मॉडल है जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद रशिया ने फॉलो किया था। रशिया चेकोस्लोवाकिया में या किसी ने पोलैंड में ऑक्यूपाई करके नहीं रहा, वो गया, जीता, वापस आ गया। जैसे आज के दिन उनके संबंध है वो तजिकिस्तान वगैरह में, जहां उसके कंट्रोल है इनडायरेक्ट, तो वो बात हम समझते हैं। लेकिन उसको कीव को कब्जाने के लिए गौरव कम से कम अभी ऐसी आफत नहीं लगती, क्योंकि जब तक सदन से, साउथ से, जब तक
ईस्ट से, निप्रो से, जब तक पल्तोवा से, जब तक इधर से प्रेशर नहीं बढ़ेगा, अकेली जो नॉर्थ से आगे वो वहां पे लगातार बमबारी कर रहा है जनरल दयाल। अब जहां पर गौरव की भी मौजूदगी है, डर और दहशत का आलम वहां पर बना हुआ है। तस्वीरें जिस तरह की लगातार सामने आ रही है, इन अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम समझ सकते हैं शहर किस तरह से तबाह होता हुआ चला जा रहा है। कीव पर कहर बरपाया गया है, वहां पर लगातार टीवी टावर पर हमले किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी रहायशी इमारतों पर हमला किया जा रहा है, रेलवे स्टेशन पर वहां के स्कूलों को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि यूक्रेन का ये दावा है, लेकिन हमारे जो रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर मौजूद है उनकी ओर से भी लगातार ये जानकारी दी जा रही है। ऐसे में रूस की जो मंशा है वो यकीनन खतरनाक है। हालांकि ये अलग बात है कि एक देश के तौर पर इंडिया ने अपना बैलेंस रूस और अमेरिका के बीच बनाकर रखा हुआ है और इन दोनों ही देशों में किसी के भी समर्थन में खुलकर वो बोलने से बच रहा है, क्योंकि दोनों ही देशों के साथ भारत के यहां पर हित जुड़े हुए हैं।